गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, पीसीबी एंड पीसीएम की केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारे केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 51 है, जिसमें हम जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से संबंधित न्यूमेरिकल देख रहे थे, जिसमें लघुरात्मक के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने देख लिए थे। और आज हमारा चौथा क्वेश्चन चलेगा, और चौथा क्वेश्चन नोट करोगे, चौथा क्वेश्चन है हमारा SO2 Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आदि मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है 60 मिनट का समय लगता है यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए देखो, हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है, अर्थात हमें अभिक्रिया का अर्धायुकाल दे रखा है। क्योंकि जब प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा किसी रिएक्शन के अंदर होती है, तो हमें इसका मतलब उस अभिक्रिया का क्या दे रखा है, अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल टी हाफ बराबर हमें दिया हुआ है कितना मिनट, 60 मिनट। और हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या निकालना है, वेग स्थिरांक के मान की क्या करनी है, गणना। और हम जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल का फॉर्मूला होता है टी हाफ बराबर 0.69 अपॉन के। अब हमें अर्धायुकाल टी हाफ दे रखा है कितना मिनट, 60 मिनट। तो हम यहाँ से के मान की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो के बराबर हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 0.691 अपॉन टी हाफ। तो 0.691 में टी हाफ की वैल्यू हमारे पास कितनी मिनट है, 60 मिनट। तो इसे हमें सॉल्व करने में जो आएगा, आप चाहो तो इसे सेकंड में भी बदल सकते हो मिनट को। यदि हम मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो यहाँ पर 60 × 60 कर दिया, अर्थात 3600 सेकंड हम लिख सकते हैं। यदि मिनट में आंसर लेना चाहते हो तो 60 से डिवाइड करोगे, और यदि हम इस सेकंड में आंसर लेना चाहते हैं इसका, तो फिर हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे, 3600 से डिवाइड कर देंगे। और इसे डिवाइड करने पर हमारे पास 1.925 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स आंसर आएगा। क्वेश्चन को नोट कर लो। इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के बाद अब हम इससे संबंधित जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखी है उससे संबंधित अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम आपके सामने नोट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है कि निम्न अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांक इकाइयां
तथा वेग स्थिरांक इकाइयां ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन हमें ये रिएक्शन दे रखी है, 3NO गैसीय स्टेट में दे रखा है और यहाँ से बन रहा है N2O, और साथ में अभिक्रिया का वेग नियम हमें दिया हुआ है K NO की पावर 2। देखो इस क्वेश्चन में हमें अभिक्रिया का वेग साथ में दिया हुआ है, और हमने द्रव्यनुपातिक क्रिया के नियम से देखा था, जब अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करेंगे, एक तो हमें अभिक्रिया की क्या निकालनी है, इसमें कोटि निकालनी है, और हमें एक क्या निकालनी है, वेग स्थिरांक इकाई। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम अभिक्रिया की कोटि देखेंगे, तो अभिक्रिया की कोटि में एनओ के ऊपर पावर क्या दे रखी है, 2, और सांद्रताओं के घात के योग को ही हम क्या कहते थे, अभिक्रिया की कोटि, अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात इस अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। क्या होगी, 2। अब क्यों होगी, इसका रीजन हम लिख सकते हैं, क्योंकि अभिक्रिया वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता के घात का योग 2 है। सांद्रता के घात का योग कितना है, 2 है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और वेग स्थिरांक इकाई हमें इसकी निकालनी है, तो वेग स्थिरांक इकाई निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, मोल अपॉन लीटर इंटू n माइनस के n और सेकंड इनवर्स। तो यहाँ n का मतलब हमारे पास होता था अभिक्रिया की कोटि, और n का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो मोल अपॉन लीटर की पावर 1-2 सेकंड इनवर्स, इसे खोलेंगे हम, तो मोल अपॉन लीटर 1 में से 2 गया तो पावर में माइनस के 1 बचा, और सेकंड इनवर्स, तो इसे खोलने पर मोल के ऊपर इनवर्स आ गया, -1 आ गया, और नीचे लीटर इनवर्स आ गया और सेकंड इनवर्स, और जब हम इस लीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो मोल इनवर्स और माइनस पावर ऊपर लेके गए तो हमारे पास किसकी आ गई, प्लस की और सेकंड इनवर्स। तो हमारे पास ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या आ गई, इकाई आ गई, वेग स्थिरांक इकाई। कौन सी कोटि के लिए हमारी, ये द्वितीय कोटि के लिए, क्योंकि हमारे पास कोटि कौन सी थी, अभिक्रिया की दूसरी थी। इसी प्रकार से इसी क्वेश्चन में हमसे दूसरा क्वेश्चन और पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, और क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड में हमें रिएक्शन दी हुई है H2O2 एक्वस पेज 3I- और रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है प्लस में 2H+ और दे रखा है प्लस में 2H+, और रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 2H2O+I2-। और इसी समीकरण के लिए अभिक्रिया का वेग भी हमें दिया हुआ है, और अभिक्रिया का वेग हमें यहाँ जो दे रखा है वो दे रखा है K H2O की सांद्रता और I- की सांद्रता। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, अभिक्रिया की कोटि, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमसे अभिक्रिया की कोटि का ही पूछा है। तो अभिक्रिया की कोटि देखें तो सांद्रताओं के घात का क्या करना है, योग करना है, तो H2O की घात कितनी है, 1, और I- की पावर भी कितनी है, 1, तो अभिक्रिया की कोटि निकालोगे तो 1+1 बराबर कितनी आ गई, 2 आ गई। और हमने सेकंड ऑर्डर के लिए अभी वेग स्थिरांक जो निकाला था उसी प्रकार से यहाँ भी वेग स्थिरांक की गणना कर लोगे, वेग स्थिरांक इकाई की, तो वेग स्थिरांक इकाई के लिए फॉर्मूला वही लग जाएगा, मोल अपॉन लीटर की पावर 1-n और सेकंड इनवर्स, और n का मान वही 2 रख दो, जिससे इकाई हमारे पास वही आ जाएगी, मोल इनवर्स लीटर की पावर 1 और सेकंड इनवर्स, इसे यहाँ तक नोट करोगे।
अब क्वेश्चन नंबर 8 के दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है देखोगे। 8 का प्रश्न नंबर 3 जो रिएक्शन हमें दी हुई है वो दे रखी है, CH3CHO गैसीय स्टेट में, और इससे हमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है CH4 गैसीय स्टेट में, और प्लस में हमें दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और अभिक्रिया वेग क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, अभिक्रिया वेग समीकरण जो दे रखी है ये दे रखी है के CH3CHO की पावर 3/2। तो हमें क्वेश्चन में देखते ही पता लगना चाहिए कि यहाँ अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, क्योंकि सांद्रता का जो घात है तो घात हमारी क्या दे रखी है 3/2। तो आंसर हम इसका लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास वो कितना दे रखा है 3/2, मतलब 3/2। अब हमें 3/2 कोटि के लिए वेग स्थिरांक की क्या करनी है गणना। तो 3/2 कोटि के लिए वेग स्थिरांक इकाई कैसे निकालेंगे, वेग स्थिरांक इकाई। तो 3/2 कोटि के लिए वेग स्थिरांक इकाई निकालने का फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n और सेकंड इनवर्स। अब n का मान हमारे पास क्या दे रखा है 3/2, तो n का मान 3/2 रखेंगे तो मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - 3/2 सेकंड इनवर्स। अब एक में से 3/2 घटा के देख लो अलग से, एक में से 3/2 घटा है तो लघुतम इसका क्या है 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 2 का भाग 2 में 1 पर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 3 हो गया, अर्थात हमारे पास जो बचा तो 2 में से 3 गया तो माइनस का 1/2 क्या बच गया 2 बच गया। तो 1 में से 3/2 गया हमारे पास, तो हमारे पास बच गया माइनस का 1/2 सेकेंड इनवर्स। इसे आगे हम सोल्व करेंगे तो मोल के ऊपर पावर क्या लग जाएगी माइनस के 1/2, और लीटर के ऊपर पावर भी क्या लग जाएगी माइनस के 1/2 और सेकंड इनवर्स, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं मोल की पावर -1/2 और लीटर -1/2 को ऊपर लेके गए तो लीटर की पावर प्लस में 1/2 हो गई और सेकंड इनवर्स। ये हमारी 3/2 अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग स्थिरांक क्या आ गई इकाई आ गई। नोट कर लो इस, इसी के बाद अब हमारे 8वें के अंदर जो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है वो चौथे क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो क्या है, तो 8वें के चौथे क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन दे रखी है C2H5Cl गैसीय स्टेट में दिया हुआ है, और इससे जो प्रोडक्ट इसने बना रखा है वो है C2H4 प्लस के क्या HCl, और साथ में ही अभिक्रिया का वेग इसका दिया हुआ है। तो अभिक्रिया वेग बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें के C2H5Cl। अब देखो यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि इसके अभिकारकों की सांद्रता की घात कितनी है 1 है, अर्थात यहाँ इसका आंसर लिखेंगे हम कि अभिक्रिया की कोटि अर्थात n का मान हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब हमें प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक क्या लिखनी है इकाई, तो प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक इकाई, प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक इकाई की हमें क्या करनी है गणना। तो वेग स्थिरांक इकाई निकालने का फॉर्मूला हमारे पास वही है, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n और सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से n का मान हमारे पास कितना आ गया 1, तो n का मान 1 रखेंगे तो मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - 1
सेकंड इनवर्स। तो हमारे पास मोल अपॉन लीटर की पावर एक में से एक गई तो पावर क्या बची, जीरो सेकंड इनवर्स। और जब किसी भी संख्या के ऊपर पावर जीरो आ जाए, जैसे एक के ऊपर पावर जीरो आ जाए, सौ के ऊपर पावर जीरो आ जाए, एक हज़ार के ऊपर पावर जीरो, किसी संख्या के ऊपर पावर जीरो आ जाए तो उन सबकी वैल्यू कितनी होती है, एक। तो उसी प्रकार से इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक। और एक को सेकेंड इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इकाई ओनली क्या आ जाएगी, सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हमारे पास वेग स्थिरांक इकाई होती है, जो क्या होती है, सेकंड इनवर्स। नोट करोगे इसे। अब इसके बाद जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से संबंधित हमारा जो क्वेश्चन है वो बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन लिखोगे पहले कि प्लेटिनम की सतह पर, प्लेटिनम की सतह पर NH3 का अपघटन, NH3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N2 एवं H2 के उत्पादन की दर, के उत्पादन की दर क्या होगी जब k का मान 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। देखो अमोनिया के अपघटन की रिएक्शन हम लिखे तो अमोनिया के अपघटन की रिएक्शन ये होती है कि 2NH3 अमोनिया का जब अपघटन करवाया जाता है तो हमें N2 प्लस क्या प्राप्त होता है, 3H2। और जब हम इस रिएक्शन को द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से देखें, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से तो अभिक्रिया का वेग है जो अभिकारकों की शून्य कोटि रिएक्शन है, तो अभिकारकों की कौन सी घात के बराबर होगा, जीरो घात के बराबर। तो अभिक्रिया वेग बराबर हम लिख सकते हैं के, और अभिकारक हमारे पास क्या है, NH3। तो जीरो ऑर्डर के लिए पावर क्या आएगी, ध्यान रखना, जीरो आएगी। अर्थात हम लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग है जो किसके बराबर होगा, के बराबर होगा, क्योंकि इसके ऊपर पावर जीरो आ गई तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, एक हो गई। तो हमारे पास अभिक्रिया का वेग किसके बराबर आएगा, के बराबर। और हमें के का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, अर्थात के का मान है 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये तो हमने कौन से नियम से लिखा है, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है N2 एवं H2 के उत्पादन की दर, तो हमने अभिक्रिया वेग समीकरण लिखी थी, अभिक्रिया वेग समीकरण। तो इस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया वेग समीकरण लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग है वो स्टाइकोमेट्रिक अनुपात को हम व्युत्क्रम में लिखते थे, तो एक दो की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/2। और अभिकारकों की सांद्रता को हमेशा किससे दर्शाया जाता है, माइनस से। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमोनिया, मतलब अमोनिया की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय बराबर। यदि उत्पाद की सांद्रताओं के आधार पर दर्शाएंगे तो उसके लिए किसका चिन्ह यूज लिया जाता है, प्लस का। तो यहाँ पर हो जाएगा DN2/KdT। और यदि हाइड्रोजन की सांद्रता के आधार पर दर्शाया जाए तो 3 का व्युत्क्रम हम क्या लिख देंगे, 1/3, और DH2/KdT।
अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के उत्पादन की दर बताओ, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के उत्पादन की दर क्या होगी और इन सब का मान बराबर है किसके, अभिक्रिया वेग के अर्थात, और अभिक्रिया वेग किसके बराबर है, के के। तो यहाँ अभिक्रिया वेग सीधा मैं लिख सकता हूँ कि 2.5 × 10⁻⁴। अभिक्रिया वेग किसके बराबर है, के, और के की वैल्यू हमारे पास ये है। पहले हम किसके उत्पादन की दर, ये चीज़ इसके बराबर भी है, अभिक्रिया का वेग नाइट्रोजन के बराबर भी है और अभिक्रिया का वेग हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, तो किसी के भी तुल्य हम इसको रख सकते हैं। तो हम पहले किसके उत्पादन की दर निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन की, तो मैं अभिक्रिया वेग का मान इसके बराबर रख दूँ dN2/dt के, तो यहाँ लिख दिया dN2/k क्या dt, अर्थात ये तो हमारे पास किसके उत्पादन की दर आ गई, नाइट्रोजन के उत्पादन की दर, उत्पादन की दर। इसी प्रकार से हमें किसके उत्पादन की दर निकालनी है, हाइड्रोजन के उत्पादन की दर, तो हाइड्रोजन के उत्पादन की दर निकालने के लिए भी हमने जो हाइड्रोजन के उत्पादन का समीकरण है उसको भी अभिक्रिया वेग के बराबर रख दिया और हमारे पास ये है 1/3 dH2/k क्या dt, और ये भी किसके बराबर है, अभिक्रिया वेग के, और अभिक्रिया वेग हमारे पास आ गया 2.5 × 10⁻⁴। अब हमें केवल हाइड्रोजन के उत्पादन दर निकालनी है, तो इस 1/3 को मैं इस तरफ भेजूंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो dH2/dt बराबर 3 × 2.5 × 10⁻⁴। क्योंकि 1/3 को इस तरह भेजा तो 3/1 हो गया और 1 का बटे में कोई मतलब नहीं है, तो अब 3 को 2.5 से गुणा करोगे तो 7.5 × 10⁻⁴। ये जो हमारे पास आंसर है वो किसके उत्पादन की दर आ गई, हाइड्रोजन के उत्पादन की दर। इस प्रकार से ये तो हमारे हाइड्रोजन के उत्पादन की दर आ गई, ये हमारे पास आ गई जो हाइड्रोजन के उत्पादन की दर आ गई, और ये हमने यहाँ से अभिक्रिया का क्या निकाल लिया, वेग निकाल लिया। इस क्वेश्चन को भी आप नोट करोगे। अब इसके बाद अति लघुरात्मक के हमारे दो क्वेश्चन और बच गए, अति लघुरात्मक का क्वेश्चन नंबर पहला, और इसमें लिख रखा है एक अभिक्रिया a+b और उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है उत्पाद के लिए, वेग नियम, हमें दिया हुआ है a^(1/2) और b^(2) दे रखी है 2 से दिया गया है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा है तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन में लिख रखा है अभिक्रिया वेग नियम दे रखा है कि a^(1/2) और b^(2), तो हमें अभिकारकों की सांद्रताओं की घात का क्या करना है, योग करना है, तो हमारे पास अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, एक तो 1/2 और एक है हमारा 2, 2 में आधा जोड़ा तो 2/1/2, या इसे हम लिख सकते हैं 2.5 कोटि की अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया की कोटि कौन सी होगी, 2.5 कोटि की अभिक्रिया, या 1/2 कोटि की हमारी क्या हो जाएगी, अभिक्रिया।
अब इसके बाद अति लघुरात्मक का क्वेश्चन नंबर दो। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि अणु x का y में रूपांतरण, अणु x का y में रूपांतरण, y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की, द्वितीय कोटि की बल गति की, द्वितीय कोटि की बल गति की के अनुरूप होता है। यदि x की सांद्रता, यदि x की सांद्रता तीन गुनी कर दी जाए तो, अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कोई समीकरण दे रखी है। कह रहा है कि x का y में रूपांतरण हो रहा है, अर्थात अभिक्रिया हमारी ये है कि x है जो किस में परिवर्तित हो रही है, y में। तो हमारे पास x तो अभिकारक हो गया और y क्या हो गया, उत्पाद हो गया। और क्वेश्चन में साथ में दे रखे है कि जो अभिक्रिया की कोटि वो कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोटि की है। तो हम इसका अभिक्रिया वेग समीकरण लिख सकते हैं कि अभिक्रिया वेग इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 2, क्योंकि कोटि कौन सी है, द्वितीय, तो पावर में क्या लगाएंगे, घात में हम 2 लगाएंगे। तो अभिक्रिया वेग इसका हम ये लिख सकते हैं, समानुपाती का चिन्ह था कॉन्स्टेंट के और x की पावर क्या कर दिया, 2। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि x की सांद्रता को क्या कर दिया जाए, 3 गुना। यदि मान लिया पहले x था, अब x की सांद्रता को 3 गुना करूंगा तो सांद्रता क्या हो जाएगी, 3x। यहां लिख देंगे x की सांद्रता 3 गुनी करने पर, या 3 गुना करने पर, 3 गुना करने पर हमारे पास क्या आ गया, 3x। x की सांद्रता को 3 गुना किया तो क्या आ गया, 3x। अब अभिक्रिया वेग में x की जगह हम क्या लिख देंगे, 3x लिख देंगे। तो अभिक्रिया वेग बराबर आ जाएगा k और 3x का क्या, स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास अभिक्रिया वेग क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर किया तो 9 k और x की पावर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करें तो पहले की तुलना में अभिक्रिया का वेग कितना गुना बढ़ गया, 9 गुना बढ़ जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 2 की तुलना करने पर पता चलता है कि कि सांद्रता 3 गुनी करने पर, अभिक्रिया का वेग 9 गुना बढ़ जाता है, नोट करोगे इसे। इसके बाद हम जो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के कुछ न्यूमेरिकल्स और बच गए, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने अति लघुरात्मक के 2 क्वेश्चन देखे, इसके अलावा लघुरात्मक के हमने कुछ क्वेश्चन देखे। अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है, दोनों की कोटि की अभिक्रिया के कुछ न्यूमेरिकल्स और बच रहे हैं, जिनकी चर्चा हम कल की क्लास के लिए करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।